रहे हैं कि क्या इस मुल्क में आदिवासी होना गुनाह हो गया है। आप में से शायद कुछ लोग इन तस्वीरों के पीछे की कहानी जानते होंगे, लेकिन मुमकिन है कि बहुत से लोगों को इसकी जानकारी ना हो, क्योंकि मनुवादी मीडिया से लेकर बहुजन मीडिया तक आदिवासियों के इस अहम मसले पर खबरें गायब हैं। इसीलिए सबसे पहले खबर जान लीजिए और फिर उसके पीछे की वजह भी जानेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 मई को छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सली उन्मूलन अभियान के नाम पर बस्तर इलाके के बीजापुर जिले के सिलेगर गांव में एक पैरामिलिट्री पोस्ट बना दी थी। इस पोस्ट में सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों की तैनाती की गई। हालांकि ये इलाका 5वीं अनुसूची में संरक्षित है, लेकिन बावजूद इसके ग्राम सभा से कोई इजाजत नहीं ली गई। बिना इजाजत अपने गांव में पैरामिलिट्री पोस्ट बनने पर गांव वाले नाराज हो गए और 13 मई से पोस्ट का विरोध होना शुरू हो गया। आदिवासियों का ये विरोध चलता रहा और 16 मई की सुबह सिलेगर गांव में हजारों आदिवासियों ने पैरामिलिट्री पोस्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया। आदिवासियों का कहना है कि प्रदर्शन एकदम शांतिपूर्ण था, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने अचानक से ये कहकर फायरिंग शुरू कर दी कि नक्सलियों ने हमला कर दिया है। आदिवासियों के मुताबिक इस दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए और बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया। इस वारदात के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसमें अफरा तफरी और फायरिंग का शोर सुनाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक इस दौरान 3 आदिवासी मारे गए। ये विडंबना ही है कि इतनी बड़ी वारदात के 9 दिन बीत जाने के बाद भी आपके और मेरे जैसे बहुत से लोगों को इस खबर तक का नहीं पता।